हेलो गाइस, टुडे वी आर डिस्कसिंग फंक्शन ऑफ लिस्ट या मेथड ऑफ लिस्ट क्या होता है, या बिल्ट इन मेथड्स जो लिस्ट के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं। यानी कि सिंपल सा है कि लिस्ट के अंदर फंक्शनैलिटी करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस कौन से बने हुए हैं इन बिल्ट, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरे को इस वीडियो के अंदर। आई एम सचिन भारद्वाज, कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड डेटाबेस एक्सपर्ट। वेलकम टू एटीट्यूड चैनल। आवर टॉपिक इज फंक्शन ऑफ लिस्ट इन पाइथन। तो आप देख सकते हो ये लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास यहाँ पर फंक्शंस की, और लिस्ट के अंदर मेरे को फंक्शंस करने हैं बहुत ही आसान तरीके से। मैंने यहाँ पर लिख रखा है लिस्ट डॉट अपेंड, लिस्ट डॉट एक्सट्रैक्ट, लिस्ट डॉट इंसर्ट। ये मेरे पास कुछ बेसिक मेथड्स हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर एड एन आइटम एट द एंड ऑफ लिस्ट, एक्सटेंड मल्टीपल आइटम एट द एंड ऑफ लिस्ट, डॉट इंसर्ट। इंसर्ट में आप देख सकते हो कि इसके अंदर इंसर्ट मैंने लिख रखा है कि इंसर्ट का क्या रोल है, और इसके अंदर मैंने लिख रखा है कि रिमूव का क्या रोल है, डेल का क्या रोल है, लिस्ट क्लियर का मतलब क्या है, लिस्ट पॉप का मतलब क्या है, सॉर्ट का मतलब क्या है। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो मेरे पास इस वीडियो के अंदर लाइव इम्प्लीमेंटेशन में। एक एक फंक्शंस को करके दिखाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने दिखा रखा है एम इक्वल टू 10, 20, 30, 40। यहाँ पर एक एम एक लिस्ट बनी हुई है। टाइप मैंने सबसे पहले लिखता हूँ कि टाइप एम, एम क्या है, क्लास लिस्ट। एम डॉट अपेंड, अपेंड करते ही मेरे पास यहाँ पर एक 25 लास्ट में एड ऑन हो जाएगा। एक्सटेंड करना है मेरे को एन को, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई थी एम वाली, एन एक और लिस्ट बना दिया, तो वो लास्ट में जाके नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें ऐड ऑन हो गए हैं। एम डॉट इंसर्ट 2, मोनू, यानी कि सेकंड पोजीशन पे मेरे को मोनू को इंसर्ट करना था, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आउटपुट में मेरे पास मोनू भी रिप्रेजेंट हो गया। मेरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो सिंपल लिखना है एम डॉट रिवर्स, तो रिवर्स में वो लिस्ट आ जाएगी। मेरे को लेंथ निकालनी है, तो वो लेंथ भी आप देख सकते हो। और अब मैं आपको इसको लाइव भी करके दिखा रहा हूँ। ये लाइव ही मैंने प्रोग्राम लिखा था, और लाइव ही मैं आपको इसको करके दिखा रहा हूँ अपने पाइथन सॉफ्टवेयर पे, राइट? तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और एक एक कंसेप्ट को मेरे साथ देखते रहें। बड़ा ही आसानी से मैं आपको इसको करके दिखा रहा हूँ। एक एक फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है वो आप मेरे साथ देखते रहें इस वीडियो में। तो वेरी फर्स्ट मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाया, लिस्ट 1 इक्वल टू, यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट डाल दिया 10, 20, 30, 40, राइट? ये मेरे पास एक लिस्ट बन के तैयार हो गई है। अब इसके अंदर मेरे को एक आइटम को अपेंड कराना है। अपेंड यानी कि मेरे को बीच में लेके आना है, या कहीं पर भी मेरे को एलिमेंट इसको इंसर्ट करना है। तो वेरी फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपेंड एक मेथड है जिसके अंदर जो भी आप एलिमेंट डालोगे वो एंड ऑफ द लिस्ट जाएगा। कैसे? लिस्ट 1 डॉट अपेंड, अपेंड लिख दोगे आप, और उसके अंदर वैल्यू को पास कर दोगे जो भी एलिमेंट है आपको डालना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इसके अंदर डालना है 2, 5, 25, और देख सकते हो आप मेरे पास लिस्ट 1 को जैसे मैं प्रिंट करूंगा तो यहां पर मेरे पास 25 एंड ऑफ द लिस्ट आ चुका है, राइट? तो सिंपल कंसेप्ट है, अपेंड फंक्शनैलिटी आपको पता लगी होगी, यानी कि एंड ऑफ द लिस्ट आइटम को आप एड ऑन कर सकते हो लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट इज माई डियर, नेक्स्ट इज बिल्ट इन फंक्शन मेरे पास रिप्रेजेंट होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड का सिंपल रूल है यार, अभी तो मैंने एक एलिमेंट डाला है, मैं चाहता हूँ यार 4-5 एलिमेंट और डालने हैं एंड ऑफ द लिस्ट। तो 4-5 एलिमेंट जब मैं एंड ऑफ द लिस्ट डालूंगा तो वो कैसे डालूंगा? लिस्ट आप देख चुके हो लिस्ट 1, अब मैं लिस्ट 2 तैयार करने जा रहा हूँ। लिस्ट 2 इक्वल टू, और यहाँ पर भी मैंने कुछ एलिमेंट डाल दिए 100, 200, 300, और आप देख सकते हो इस लिस्ट के अंदर ये सेकेंड लिस्ट भी मैंने तैयार कर दी है। अब मेरे को क्या करना है, जिस लिस्ट के अंदर मेरे को एड ऑन करने एलिमेंट्स उस लिस्ट का नाम लिख दो, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड। एक्सटेंड करेगा कौन सा? लिस्ट 2। अब यहां पर ब्रैकेट में लिखना है आपको लिस्ट 2, यानी कि लिस्ट 1 में लिस्ट 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एड ऑन हो जाएंगे इसमें। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक्सटेंड हो चुके हैं, और अब जैसे ही मैंने इसको प्रिंट करा लिस्ट 1 को, तो यहां पर देख सकते हो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स लास्ट में एड ऑन हो चुके हैं हमारे साथ, राइट? तो सिंपल तरीके से मैंने आपको दिखाया कि एक्सटेंड मेथड क्या होता है, अपेंड मेथड क्या होता है। अब मैं आपको इंसर्ट मेथड और दिखाता हूं कि इंसर्ट कैसे करना है। जैसे मेरे को सेकंड पोजीशन पे कोई नेम लिखना है, सेकंड पोजीशन पे कोई नेम गिवन करवाना है, तो मैं सिंपल लिख सकता हूं लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर मेरे को यहाँ पर लिखना होता है कि कौन सी पोजीशन पे मैं एक नेम गिवन करवाने आ रहा हूँ। मैं सेकंड पोजीशन पे मोनू नाम लिखना चाहता था, तो अब मैंने सिंपल लिखा है लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट
टू कॉमा मोनू। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही मैंने इस लिस्ट वन को प्रिंट करा तो सेकंड पोजीशन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर मोनू आ चुका है। तो ये इंसर्ट मेथड बड़ा आसान तरीका है। एक सिंपल सा और मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लिस्ट को रिवर्स कैसा करा जाए। यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सीधा लिखना है लिस्ट वन डॉट, और सीधा आप लिख सकते हो यहाँ पर लिस्ट वन डॉट रिवर्स। रिवर्स लिख दिया आपने और देख सकते हो यहाँ पर मेथड भी आपके सामने जितने मैंने बोले थे वो सारे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर रिवर्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और रिवर्स लिखने के बाद आप इस फंक्शन को इस तरह से लिखेंगे और एंटर कर देंगे। और जैसे ही आपने लिखा प्रिंट लिस्ट वन तो आप देख सकते हो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। यानी कि मोनू जो आप देख रहे थे वो कहाँ पर पहुँच चुका है, 10 से यहाँ पर एलिमेंट चालू हुआ था और 10 से लेकर यहाँ पर 300 तक की हमारे पास एलिमेंट्स थे और 300 यहाँ पर देख सकते हो रिवर्स ऑर्डर में आ चुका है। इस तरह से आप सारे प्रैक्टिकल्स इसमें इंप्लीमेंट करते जाएं, जितने मैंने फंक्शन बताए हैं उसको इंप्लीमेंट करते रहें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो के साथ आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।